अब आप लोग अपनी भेंट चढ़ा सकते हैं। भगवान पहले मेरी भेंट। मेरी भी भेंट। मेरे मोदक भी खाइए ना प्रभु। भगवान ये लड्डू मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाए हैं। आनंद आ गया। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सबके मोदक खाऊंगा। गणेश, 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 गणेश। अरे मेरे मोदक कहाँ गए? तुमने फिर से सारे मोदक चोरी करके खा लिए? गणेश, तुम्हें क्या मोदक खाने और शैतानी करने के अलावा कुछ नहीं सूझता? माँ, अब जब देखो मुझे मोदक चोरी करने के लिए डांटती रहती है। पता है मैंने अभी एक सपना देखा जिसमें मैं धरती पे था और सब लोग मेरी पूजा कर रहे थे। अच्छा? हाँ, और मैंने जी भर के मोदक खाए। वहाँ किसी ने मुझे डांटा भी नहीं। किंतु वो लोग मेरी पूजा क्यों कर रहे थे? क्या मैं भी अपने पिता शिव के समान एक भगवान हूँ? जीते रहो पुत्र। गणेश, तुम्हें पता है भगवान किसे कहते हैं? हाँ, भगवान उसे कहते हैं जो आपके समान बलवान हो, किसी को भी लड़ाई में हरा दे और जैसे जादू आता हो। भगवान होने के लिए बहुत सारी शक्तियों की आवश्यकता होती है और भगवान से सब डरते हैं क्योंकि वो सारे राक्षसों को हरा सकते हैं। पिताजी, क्या मैं भी बड़े होकर आपके समान भगवान बनूंगा? बेटा, भगवान वो हैं जो लोगों की मुसीबत और उनके दुखों को दूर करते हैं और दूसरे लोगों को परेशान नहीं करते। याद है तुम्हें, कुछ दिन पहले ही सूर्य का रथ चोरी कर लिया था तुमने, जिसके कारण सूर्य भगवान रात को घर नहीं जा पाए थे और 3 दिन तक रात नहीं हुई थी। और धरती पे हाहाकार मच गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। ठीक है, किंतु दोबारा मेरे पास तुम्हारी शिकायत आई तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। जी पिताजी। देखो आया बाल गणेश, नटखट चुलबुल बाल गणेश, नंदी
पार्वती माँ, गणेश मुझे सताने का कोई मौका नहीं छोड़ता। हाँ, हमें भी वो बहुत सताता है। मैं देवताओं और अफसराओं के बच्चों को शिक्षा देता हूँ, किंतु गणेश की शैतानियों के कारण हमेशा शिक्षा में बाधा पड़ती है। अब ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, किंतु तुम भगवान शिव से कुछ मत कहना। लेकिन गणेश है कहाँ? गणेश, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इस बार अवश्य दंड मिलेगा। हम तुम्हें पृथ्वी पर भेज रहे हैं और तुम्हें वापस आने की तब तक अनुमति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे। माँ, मुझे धरती पर नहीं जाना, मुझे यही आपके साथ रहना है। नहीं गणेश, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने भगवान शिव को बहुत क्रोधित किया है, तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन मैं अपनी गलतियां कैसे सुधारूंगा? तुम्हें स्वयं अपनी कमियों के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी काम अधिक करना अच्छा नहीं होता। तुम अत्यंत लालची, गुस्से वाले और आलसी हो। तुम्हें ये आदतें सुधारनी होंगी, तभी भगवान शिव तुम्हें वापस आने देंगे। लेकिन मैं ये आदतें कैसे सुधारूंगा? धरती पर जाकर लोगों की मदद करो, मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं लोगों की मदद कैसे करूंगा? मुझे तो खुद कुछ नहीं आता। गणेश, सब कुछ मैं ही नहीं बताऊंगी, तुम्हें अपना रास्ता स्वयं ढूंढना होगा। और हाँ, मैं तुम्हारी शक्ल साधारण मानवों जैसी कर दूंगी, जिससे तुम्हें कोई ना पहचाने। मूषकराज, तुम गणेश के साथ जाओगे। कोई मुसीबत हुई तो तुरंत मेरे पास आना। और हाँ, गणेश को उसके कार्य में मदद करना, ना कि उसकी शरारतों में उसका साथ देना। हे प्रभु, मेरे गणेश को रास्ता दिखाना। मुझे कैलाश पर्वत छोड़ के जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे माँ की याद बहुत सताएगी और मुझे मोदक कौन खिलाएगा? देखो गणेशा, मैं अपने साथ भगवान शिव की ये किताब भी लेकर आया हूँ। अरे, ये किताब तो वही है जिसकी मंत्रों पढ़ने से मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। हाँ हाँ, ये वही किताब है। किंतु ये किताब मुझे ढंग से पढ़ने नहीं आती। पिताजी ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की, किंतु मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हम इसे पढ़कर लोगों की मदद कर पाए और भगवान शिव हमें जल्दी वापस बुला ले। वो देखो, विनायकपुर। हाँ, यही गांव है। चलो चल कर देखते हैं। अरे और राधा, फटाफट काम कर, अभी बहुत काम बचा है। जी मालिक। देखो, हम जरा बाहर जा रहा हूँ, हमारे आने से पहले सारे बर्तन भी साफ करके रखना। जी मालिक। राधा। अरे गोपू, तुम? हाँ, मुझे दो लड्डू चाहिए। ये गांव इतना सजा हुआ क्यों है? तुम्हें नहीं पता, गणेश चतुर्थी आने वाली है और विनायकपुर के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन हम सब भगवान गणेश की पूजा करते हैं। अच्छा, लेकिन ये गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता, तुम अपने गुरुजी से पूछो ना। हाँ, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम करना है। राधा, तुम यहाँ इतना काम क्यों करती हो?
क्योंकि मैं अनाथ हूँ और अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मुझे खाने को कौन देगा। मेरे गुरुकुल चलो, वहाँ बहुत सारे बच्चे साथ रहते हैं और पढ़ते हैं। नहीं गोपू, मुझे पता है कि मेरे गणेश भगवान मेरी मदद करेंगे और जल्दी ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। सब कुछ कितना अद्भुत है ना? हाँ, किंतु हमें किसी की मदद करने के बारे में सोचना है। अब क्यों रो रहे हैं? क्या कहूँ, मेरी गाय दूध नहीं दे रही। मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन तुम तो एक छोटे बच्चे हो। अरे इसे रोको। अरे अरे देखो क्या हो रहा है, इस लड़के के पास जादुई पुस्तक है। ये तुमने मेरी गाय को क्या किया? लेकिन लेकिन अब मैं क्या करूं? पता नहीं इसने गाय को क्या कर दिया। चलो उसकी मदद करते हैं, क्या पता मदद के बदले वो हमें कुछ मिठाई खाने को दे दे। हाँ, आपको क्या चाहिए? अगर मैं ये सारे बर्तन और दुकान एक क्षण में साफ कर दूँ तो? ये कैसे हो सकता है? देखती जाओ। ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर वनेनियम वर्गो देवस्य देवहि योग्यो न प्रचोदयात्। Yeah.
तत् स्वयं लक्ष्मी नारायण अरे क्या है ओम श्री गण ओम श्री वसु तत् स्वयं अरे मंग सर्व मंगल मंगल उला श्री 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 उला ओम बुल श्री उला ये सब कहाँ हो रहा है? चली जाओ हमारी दुकान से और वापस कभी मत आना। चले जाओ तुम यहाँ से। तुम लोगों के कारण मुझे दुकान से निकाल दिया। अब मुझे खाना कौन देगा? और मैं सोऊंगी कहाँ? हमें क्षमा कर दो, लेकिन तुम हमारे साथ चल सकती हो। नहीं, जाओ यहाँ से अपने चूहे के साथ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। हम किसी की सहायता नहीं कर पाए, सबको मुसीबत में ही डाल दिया। पता नहीं मैं पिताजी को कैसे प्रसन्न करूंगा। हाँ, भगवान शिव का क्रोध तो सभी जानते हैं। अगर वो तुमसे इस प्रकार क्रोधित रहे तो? क्या तुम भगवान शिव के पुत्र हो? तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मैं अत्यंत मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं भी बचपन में तुम्हारे समान एक नटखट बालक था। मैंने एक दिन इस पेड़ के नीचे ही एक ऋषि मुनि की तपस्या भंग कर दी। बस इस प्रकार मैं कई सालों से इस पेड़ में बंदी हूँ। मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आती है। ये तो तुम्हारे साथ अत्यंत बुरा हुआ, लेकिन मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं जिसके भी मदद करता हूँ वो उल्टा पड़ जाता है। चिंता मत करो, ये बहुत सरल काम है। यहाँ से थोड़ी ही दूर गुरु भृगुराज का आश्रम है। गुरु भृगुराज के कमरे में एक किताब है जिसका मंत्र पढ़ने से मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, ये तो सही नहीं होगा। तो फिर क्या मैं हमेशा इस पेड़ के अंदर ही रहूंगा? मैं क्या कभी अपने माता पिता से नहीं मिल पाऊंगा? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए वो किताब लेकर आता हूँ, उसके बाद वही वापस रखूंगा। सच? अपनी दाई ओर देखो, वहाँ पे जो प्रकाश तुम्हें दिख रहा है वही गुरुकुल है। अब देर मत करो, इस समय गुरु भृगुराज गहरी नींद में होंगे। ये चूहा मेरी पुस्तक लेकर भाग रहा है।
मेरी पुस्तक, अरे कोई पकड़ो ये। हमारे पास समय नहीं है, तीसरा पन्ना खोलो। अब ये सारे मंत्र पढ़ना शुरू करो। सर्वस्य बुद्धि रूपे धनस्य रिद्धि समस्यते स्वर्ग पवर गति देवी नारायणी नमस्ते। सर्वस्य बुद्धि रूपे धनस्य रिद्धि समस्यते स्वर्ग पवर गति देवी नारायणी नमस्ते। रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? तैयार हो जाओ विनायक पुर वालों, तुमसे कई वर्षों का बदला लेना है। कितने वर्ष बीत गए जब इस गांव के लोगों ने गुरु भृगुराज के साथ मिलकर मुझे इस पेड़ के अंदर बंदी बनाया था, किंतु अब मैं एक एक गांव वालों से इसका बदला लूंगा। मेरे लिए क्या आदेश है मेरे मालिक? जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो तुम औरों के साथ करो, ताकि वो दानव बने, और जितने लोगों को दानव बनाओगे उतनी बड़ी हमारी सेना बनेगी। जी महाराज। अब जाओ यहां से। नारायण नारायण। भगवान, हम घोर मुसीबत में हैं। ऐसा क्या हो गया कि आप सब लोग यहां मेरे पास चले आए? महाराज, आपके पुत्र गणेश ने एक अत्यंत भयानक दानव को मुक्त कर दिया है। उसकी आंखों में ऐसी दिव्य शक्ति है कि वो जिस मनुष्य या जानवर को देखता है वो दानव बन जाता है। जल्दी ही वो पूरे धरती वासियों को दानव बना देगा और उसके बाद स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें? आप लोग चिंतित मत हो, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उस दानव का संहार गणेश के हाथों ही लिखा है। नारायण नारायण। किंतु वह तो एक बालक है। हाँ, लेकिन वो कोई साधारण बालक नहीं, उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त हैं। आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए। जैसा आप कहे भगवान। भगवान, मुझे डर लग रहा है कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। गणेश को अपना उत्तरदायित्व सीखना अत्यंत आवश्यक है। तुम भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं कहाँ हूँ? गणेश, जल्दी से खा लो, उसके बाद हमें उस राक्षस को ढूंढना है जो हमारे गलती के कारण मुक्त हो गया। पता नहीं अब वो क्या करेगा। जल्दी से खा लेते हैं।
हमें उस राक्षस का सामना करने के लिए बहुत शक्तिमान बनना होगा। सारी सड़कें खाली क्यों हैं? हाँ, कितना सन्नाटा है इधर। मुझे तो डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अनर्थ हो गया हो। तुमने सुना? हाँ, कुछ आवाज तो आ रही है। हाँ देखो, उस दिशा से। देखो, उस ओर से आ रही है। पशु, कीड़े और मानव सब बन गए हैं दानव। हो जाओ अब तुम तैयार, हमें स्वर्ग पर करना है वार। जो भी हमसे लेगा पंगा वो नहीं रहेगा कहीं का, तो बोलो मेरे साथ। इस दानव का इतना साहस कि ये ईश्वर के देवताओं से लड़ेगा। अभी बताता हूँ इसे। गणेश रुको, इतने सारे दानवों को एक साथ हराना बहुत कठिन है। छोड़ो मुझे। गणेश भागो। मैं किसी से नहीं डरता। हम इन लोगों से बाद में निपट लेंगे, पहले हमें इस बात की सूचना गुरु भृगुराज को देनी चाहिए। कहीं ये गुरुकुल पहुंच गए और वहाँ के बालकों को भी दानव बना दिया तो। हाँ चलो, पहले उनके पास चलते हैं। उन्हें पकड़ो। इन्हें कोई असर नहीं होगा क्योंकि इनके अंदर दिव्य शक्ति है। हमें इन्हें बंदी बनाना होगा। पकड़ो इन्हें।
गणेश, अब चलो। दानव हो? फिर केवल तुम्हारा मुंह नीला क्यों है? पैर क्यों नहीं? एक दो तीन भागो! 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 देखो कहीं वो भाग न जाए! बच्चों, जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। गुरुजी, ये अंदर क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि मैंने अपने मंत्रों से इस गुरुकुल के आसपास ऐसी रेखा खींची है जिसे कोई दानव पार नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। गणेश, मेरे साथ आओ। आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। चलो मेरे साथ। देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।